अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फरीदुद्दीन सिद्दीकी A99 न्यूज़ वॉइस ऑफ इंडिया के खबरनामे में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर नजर। नाज़रीन, खबर के अख्तिताम पर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, खासकर बेल के बटन को दबाना बिल्कुल ही ना भूले, जिससे हमारे खबर की इत्तला आपको मिलती रहेगी। तो आइए डालते हैं खबर। अतापुर पुलिस स्टेशन हदूद में पुलिस की जानिब से अचानक एक खसूसी तलाशी मुहिम चलाई गई। तफसीलात के मुताबिक अतापुर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ हसन नगर में पुलिस की अचानक एक खसूसी तलाशी मुहिम चलाई गई। ये तलाशी मुहिम राजेंद्र नगर DCP श्री सिहत श्रीनिवास की क़ियादत में ये तलाशी मुहिम चलाई गई। इस तलाशी मुहिम में कई ऐसे गैरकानूनी सरगर्मियों के ऊपर नज़रसानी की गई और इनके ऊपर कार्रवाई भी की गई, जिसमें 25,000 से ज़ायद की शराब को भी जब्त किया गया और साथ ही गैरकानूनी तौर पर PDS राइस फरोख्त करने वाली टोली को भी गिरफ्तार किया गया और एक बड़ी टाटा एस गाड़ी को जब्त किया गया, 12 कुंटल चावल को जब्त किया गया, 51 टू व्हीलर्स को भी इस तलाशी मुहिम में जब्त किया गया जिनके दस्तावेजात दुरुस्त नहीं थे, और साथ ही इस मोहल्ले के 15 रोडी शीटर्स की भी घरों की तलाशी मुहिम चलाई गई। और साथ ही आवाम को ये दिलासा दिया गया है कि आवाम को अगर कहीं भी गैरकानूनी सरगर्मियां नज़र आती है तो वो बेखौफ होकर इसकी इत्तला पुलिस को दे सकते हैं, और जिनके लिए इत्तला देने वाले के नाम को खुफिया तौर पर रखा जाएगा और पुलिस अपनी जानिब से पूरी कार्रवाई करेगी। इस मौके पर DCP राजेंद्र नगर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इस तलाशी मुहिम की तमाम तरह तफसीलात बताई और इन्होंने कहा है कि इस तरह की तलाशी मुहिम को हर 8-15 दिन में अलग अलग मोहल्लों में चलाया जाएगा। आइए नाज़रीन डालते हैं इस खबर पर एक तफसीली रोशनी, जिसे पेश किया हमारे नुमाइंदे शेख जहांगीर ने। इस खबर को पेश करने में ताउन किया है मेडिवेल डायग्नोस्टिक सेंटर। मौजूदा दौर में डॉक्टरों की जानिब से महंगे से महंगे टेस्ट लिखा कर आवाम को किया जा रहा है परेशान। ऐसे मरहले में विजयनगर कॉलोनी में वाक़ मेडिवेल डायग्नोस्टिक सेंटर पेश करते हैं बिल्कुल वाजिबी कीमतों पर हरमराज के टेस्ट। मेडिवेल डायग्नोस्टिक सेंटर नजदीक मरजान होटल, रूबरू बस स्टॉप, विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद। आज राजेंद्र नगर जोन में अतापुर के लिमिट्स में हसन नगर एरिया में 7 o'clock से अभी तक वो नाकाबंदी करे कई जगह पे और सरप्राइज चेक्स कर रहे थे, राउडी शीटर्स को चेक कर रहे थे। ये चेकिंग में पूरा 4 बेल्ट शॉप्स मिला, उस पर ऊपर केस बुक कर रहे थे, 35 लीटर्स 20,000 वर्थ का वो लिकर सीज करे और एक PDS राइस ट्रांसपोर्ट करे से वो एक 4-wheeler को सीज कर रहे थे, 12 क्विंटल राइस भी बरामद किया गया और उसके ऊपर भी EC एक्ट में एसेंशियल कमोडिटी टैक्स में एक केस करेगा हम, और इरेगुलर नंबर प्लेट और बगैर नंबर प्लेट का 51 व्हीकल्स को सीज करे, उसमें 17 व्हीकल्स को असल नंबर प्लेट नहीं है। अभी वो पूरा वेरीफाई करते, हमारा एरिया में बहुत 2-wheeler का थेफ्ट भी है, शायद उसमें से भी कुछ केसेस निकल जाएगा। ऐसा ही वो हसन नगर एरिया में 15 राउडी शीटर्स को भी चेक कर रहे थे, उनका घराम भी चेक कर रहे, उनको भी चेक कर रहे थे। ये विजिबल पुलिसिंग के पब्लिक भी बहुत एक्सेप्ट करके वेलकम कर रहे थे हम लोगों को, शॉप्स वाले नहीं थे वो लोगों,
क्योंकि सबसे जो आदमी न्यूसेंस कर रहा था वो लोगों के पकड़ के ले जाना, वो लोगों की पूरा कॉलोनी को भी अच्छा है बोल के बस्ती का सदर वो लोगों बोल रहे थे। ये आज एनफोर्समेंट करे, ये एनफोर्समेंट और हर वीक में दो तीन जगह में हम लोगों पब्लिक कॉन्फिडेंस के लिए और विजिबल पुलिसिंग के लिए पूरा सुधारने के लिए हम लोग करेंगे। थैंक यू।